हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, एयरफोर्स का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, जिसको देखते हुए ये जीके की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। यदि नए कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पे इंग्लिश के और जीके की सारी चीज़ें दी गई हैं, और जीके फॉर एयरफोर्स करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसकी सारी वीडियोज़ देख लें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट समय तक हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपके इसी प्रकार हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, दाब में क्या परिवर्तन होता है, बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। जी ए, यानी कि घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में रॉलिंग प्लान यानी कि चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया गया, तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा। जी सी, यहाँ पे यानी कि छठी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको लिख लीजिए। दिया हुआ है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हटा दिया गया है, ए यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। नेक्स्ट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है माय डियर फ्रेंड्स, इसको फिर लिख लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो हो जाएगा ए यानी कि 8 मार्च। नेक्स्ट देखिए, दिया है कि खनिज तेल एवं कोयला की चट्टानों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जी एन ए यानी कि औषधि में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी के किस गति से होता है, ऋतु का परिवर्तन का संबंध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यानी कि परिक्रमण से, परिक्रमा होती है, पृथ्वी घूमती है, जिसके वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यानी कि आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया है 28 में कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यानी कि वुड इस डिस्पैच को। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही ईजी है, तो क्या हो गया, सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से। ठीक है, ये आपको पता होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है, पानी की बूंदें क्यों गोल होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 22 यानी कि बी, पृष्ठ तनाव के बल से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो यानी कि आयकर है, जो कि ये भी प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष है और उपहार कर भी प्रत्यक्ष है, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा, ये सभी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, तो सी यानी कि 11 जुलाई को। नेक्स्ट देखिए, दिया कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है, तो कितना है नागरिकों को, बी यानी कि 6 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। दिया है कि संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, संपत्ति का अधिकार क्या है एक प्रकार का, यहाँ पे बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो 21 इसमें क्या हो जाएगा, बी यानी कि विधिक अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, ऊपर आपने पढ़ा कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको क्या किया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि क्यों पतली होती है आदमियों की अपेक्षा, क्योंकि क्या होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, यानी कि ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया कि गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, बताइए यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, बी यानी कि 4थी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए मैडम अपने, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डेट से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, इसके लिए पर्टिकुलर अलग से वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ए यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिया है कि सूर्य ग्रहण होता है तब
कब होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या चंद्रमा आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? सिंधु सभ्यता की तो क्या हो जाएगा, 2527 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह हो जाएगा मेरठ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कहाँ कौन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग तो क्या हो जाएगा डी, यानी कि NH7, जो कि वाराणसी से कहाँ तक होता है, कन्याकुमारी तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है NH7। नेक्स्ट देखिए 29 में दिया कि निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्टूबर की क्रांति तो क्या हो जाएगा रूसी क्रांति, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक, ठीक है। तो आई होप कि आपका इसमें से जितना सही हुआ होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।